वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। मॉर्निंग का हो गया है 10:30 और नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है, घर के सारे काम कंप्लीट हो गए हैं और जल्दी मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, आर्य का, जैसे मैंने आप लोगों सभी आर्य के समर वेकेशन पड़ गए हैं और आज है संडे, इनका भी ऑफ है, तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, टाइम भी है, फ्री भी हूँ, जल्दी मेरे घर के सारे काम भी कंप्लीट हो गए, तो क्यों ना आज मैंने कहा अपने बेडरूम का मेकओवर किया जाए। क्योंकि लिविंग रूम का तो मैं हमेशा करती रहती हूँ, पूजा वाले रूम का भी मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ये वाला रूम क्योंकि यहाँ पे है ऑरेंज कलर के कर्टेन, ये मैंने एक साल जब मैं यहाँ पे आई थी तब मैंने ये कर्टेन लगाए, तब से मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा है वैसा ही है। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए बेडरूम, ये कर्टेन देख देख के ना बोर हो गई मैं, तो मैंने यहाँ के लिए कर्टेन मंगा रखे। मैं कर्टेन दिखाती हूँ आपको, 3D कर्टेन मंगा रखे हैं। और क्यों ना मैंने कहा आज थोड़ा सा होना चाहिए ना, कभी कभी बेडरूम का मेकओवर होना चाहिए। और कर्टेन जो मैंने मंगा रखे हैं बहुत लाइट मंगा रखे हैं, तो चलो आज बेडरूम मेकओवर करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि आज मैं अपने बेडरूम का मेकओवर कैसे करती हूँ। थोड़ा सा बेड का भी मैं डायरेक्शन चेंज करूँगी, अभी ये इस साइड कुछ ऐसा है, बेडशीट भी मैंने हटा रखा है। और यहाँ देखो और हम दोनों ने आज इसलिए सेम ड्रेस इसलिए पहनी है, मुझे इसका एक वीडियो बनाना था क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मुझे क्वेरीज आ रहे थे कि आप अपने लिए और आर्य के लिए ड्रेस स्टिच करवाते हो या फिर कोई स्पेशल ऐप है या फिर कहाँ से परचेज करते हो, तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मुझे वो वीडियो भी शूट करना था तो इस वजह से मैंने अभी वेयर करना पड़ा, मतलब तो आज मौसम भी थोड़ा सा ठीक है इस वजह से, वरना कुछ दिनों से तो मेरी हालत काफ़ी वैसी हो रखी थी। ये देखो सेम ड्रेस हमने वेयर कर रखी है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, पहले बेडरूम का मेकओवर कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको कि मैंने किस तरीके के कर्टेन मंगा रखे हैं। क्योंकि यहाँ अलमारी है, यहाँ पे देखो पहले जो हमसे पहले रहे होंगे उन्होंने कुछ लगा रखा था, शायद कुछ पोस्टर वगैरह, और फिर निकाल भी दिया और एक थोड़ा सा यहाँ पर बचा हुआ था, वो पूरा निकला नहीं। इसका भी मैं थोड़ा सा वॉलपेपर वगैरह लगाती हूँ इस पर और बैक कैमरे से पहले मैं आपको, तो चलिए मैं बेडरूम का आपको बिफोर लुक दिखाती हूँ। लिविंग रूम से आते ही इधर पड़ता हमारा बेडरूम और इधर हमारा पूजा रूम, ये आपने पहले भी देख लिया होगा, तो कुछ ऐसा है यहाँ का लुक, बिफोर लुक दिखा रही हूँ मैं आपको अभी। यहाँ पे ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो चार आपको चार्ट दिखने को मिलेंगे, क्योंकि बच्चा कहते हैं ना सबसे ज़्यादा जहाँ पर टाइम स्पेंड करता है तो वहीं पे ऐसे चार्ट, अरे बहुत कुछ सीखी है इन चार्टों से, तो चार्ट मैं हटाऊँगी नहीं, अभी नीड है इनकी। तो बेडशीट मैंने हटा रखा है क्योंकि मैं यहाँ पर चेंज करने वाली थी तो मैंने हटा दिया है। और देख सकते हैं कुछ ऐसा है हमारा बिफोर लुक, हमारी अलमारी, इसका भी मैं थोड़ा सा लुक चेंज करने वाली हूँ। और यहाँ पे हमारा ये ड्रेसिंग, इसका भी मैंने आपको एक मेकओवर वाला वीडियो दिखाया था, ये आज बड़ा ख़राब हो रखा था तो इस पे मैंने वॉलपेपर लगा दिया है। तो चलिए आप गाइस, यस ये कर्टेन मंगा रखे हैं मैंने फ्लिपकार्ट, ये कर्टेन मंगा रखे हैं मैंने मीशो से, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। 3D कर्टेन है, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे हैं, कलर थोड़ा सा लाइट है, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया, इसलिए पसंद नहीं आया कि रे वाइट बच्चे के रूम में जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि बच्चा ही के कई बार हम भी गंदे मतलब हाथ लग जाते हैं तो वाइट बहुत जल्दी गंदा होता है, तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, कह रहे कि वाइट क्यों मंगाया, मंगाना था तो दूसरा कलर मंगाती, लेकिन मुझे काफ़ी सिंपल एंड सोवर लगा ये। व्हाइट कलर अच्छा लगता है मुझे, व्हाइट से ना एकदम होता है ना मेंटल पीस के लिए बोलते हैं कि सबसे बेस्ट होता है, तो मैं मेंटल पीस को ध्यान में रखते ही ये सारी चीज़ें परचेज करती हूँ, तो व्हाइट काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत सिंपल एंड सोवर लग रहा था बेडरूम के लिए, क्योंकि ऑरेंज देख देख के पिछली बार भी मैंने यहाँ पे शायद ग्रीन लगाया था जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आई थी, लेकिन इसके कहने पे मैंने ऑरेंज पूजा वाले रूम में लगा रखे थे, लेकिन इसने कहा मामा यहाँ पे ऑरेंज लगेगा, ये ऑरेंज काफ़ी पसंद करती है, तो फिर मुझे यहाँ पे ऑरेंज लगाना पड़ा। तो आज मैंने कहा यार बहुत टाइम हो गया, लगभग एक साल हो गया, तो क्यों ना मैंने कहा थोड़ा सा अलग करते हैं, अलग क्या करना है, कटिंग करते हैं अलग। बाकी ड्रेसिंग का मैंने यहाँ पे मेकओवर वाला वीडियो आप लोगों को दिखाई दिया, मैंने वॉलपेपर वगैरह लगाया तो उसकी कंडीशन थोड़ा सा मैंने ठीक करी, और अलमारी की थोड़ी सी कंडीशन, अलमारी ठीक है लेकिन जो वॉलपेपर है उसको मैं कितना निकाल भी रही हूँ, जो पोस्टर लगाया हुआ था ऑलरेडी वो निकल नहीं रहा, बहुत गंदा सा लग रहा है, उसको चेंज करने के लिए मेरे पास एक ही जुगाड़ है, उसको मैं वॉलपेपर से ही कवर कर सकती हूँ, और वहीं वहीं पे वॉलपेपर लगा के वो अच्छा नहीं लगेगा तो पूरे ही मुझे
कवर करना पड़ेगा। फटाफट से पहले कटे लगा लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपसे। तो मुझे डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा बेड का। चलिए इंतजार था इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। हिरनी मेरी है, हिरनी मेरी है, तुझको ही मैं चाहूं। दोनों ने रोना, दोनों ने हंसना, सबनों ने दसना। तो फाइनली कर्टेन वगैरह तो लग चुके हैं और बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दिया है। अब रह गया तो ये अलमारी पे वॉलपेपर लगाना, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रहे कि ड्रामे देखो इसके। अब रह गया इसमें वॉलपेपर लगाना, बहुत प्यारा लग रहा है ये कर्टेन लगा के, दिल को छू रहे। और आज कितना वैसा क्या, मतलब आज देखो पूरा व्हाइट व्हाइट आ रहा है, व्हाइट में व्हाइट बेडशीट, व्हाइट कर्टेन व्हाइट। आज क्या कोइंसिडेंट है भैया, आपको फाइनल में बाद में दिखाऊंगी, पहले इसमें वॉलपेपर लगा लेती हूँ फटाफट। पिछली बार जब उस वाले रूम में वॉलपेपर लगाया था पूरे वॉल पे, तो ये कुछ बच गए थे। मैंने सात, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मैंने सात मंगा रखे थे, सात रोल थे, 3 मीटर का एक था, तो 4.5 के लगभग उस वाले रूम में लग गया, 2.5 बज गए। मैं इस वाले अलमारी पे उसका यूज़ हो जाएगा, नया लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। ये देखो कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, एकदम सिंपल एंड सोबर है, ज़्यादा डिफरेंट लगेगा नहीं, मतलब कटिंग का भी अच्छा कलर है क्योंकि इससे मैच इससे मिलता जुलता ही है। तो ये बचे हुए तो मैं एक काम कर लेती हूँ फटाफट इस पर लगा लूँ। फाइनली यहाँ पर मैं वॉलपेपर लगाने के लिए रेडी तो हो चुकी थी, लेकिन जैसे आपने मेरे पिछले ब्लॉगों में देखा होगा, हमेशा जब भी मैंने वॉलपेपर या स्टिकर का काम किया होगा घर पे, तो हमेशा से मेरे हस्बैंड ने, मतलब मैंने उनकी हेल्प की है, लेकिन इस बार क्या हुआ, सिर्फ अलमीरा पे लगाना था तो मैंने कहा मैं खुद से लगाऊंगी। उन्होंने बोला लगा ले, कभी कभी लगा लेना चाहिए, देखना चाहिए, अगर गलत भी लगेगा तो इंसान सीखता है। जब मैंने एक साइड से यहाँ पे लगाया ना गाइस, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैंने पता नहीं क्या अचीव कर दिया इतनी ज़्यादा मुझे खुशी मिल रही थी। यहाँ पर गड़बड़ भी हो रहा था, फिर मैं सोच रही मैं इनको बुलाऊँ, लेकिन मैंने अपने आप एक अपने अंदर वो रखा कि नहीं मैं खुद से लगाऊँगी, जैसा भी लगेगा कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं लगा सकती हूँ। तो ये एक दो बार मुझे देखने के लिए आ रहे देखे और मुझे दूसरे रूम में चले जा रहे थे कि कोई बात नहीं गलत भी लगेगा लेकिन लगाओ, आज कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें, हमेशा मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वॉलपेपर लगाना है ऐसा लगाना है। गाइस फाइनली 2-3 घंटे लग गए, अब जाके मैं फ्री हुई। भैया मेरा ये वॉलपेपर लगाते लगाते इतना सर दर्द हो गया ना, मैं शायद बता भी नहीं सकती। पहली बार रियलाइज हुआ कि मेरे हस्बैंड जब वॉलपेपर लगाते हैं ना, तो मैं कहती हूँ क्या कोई बड़ा काम कर देगा, वॉलपेपर ही तो लगा रखा है। लेकिन आज फील हुआ कि सच में इस पर कितना टाइम लगता है और कितना हेडेक होता है। जितना इजी दिखता है, जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, जितना इजी है दिखता है उतना ही टफ होता है लगाना। तो फाइनली मेरे बेडरूम का मेकओवर हो चुका है और अब मैं आपको आफ्टर लुक दिखाती हूँ। बिफोर मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, आफ्टर मैं दिखाती हूँ। सबसे ज़्यादा जो टाइम लगा तो इस पर लगा भाई इसके, लेकिन लुक चेंज हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ, मुझे थोड़ा सा कैमरा बैक करना पड़ेगा। कर्टेन सच में पैसा वसूल कर्टेन है, बहुत प्यारे लग रहे हैं बेडरूम में, एकदम हल्का सा वो पिंक और ग्रे का कॉम्बिनेशन है ना, बहुत गजब का है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस ये है हमारा बेडरूम, बिफोर आपने देख ही लिया, जो बेड था उसका मैंने थोड़ा सा डायरेक्शन भी चेंज कर दिया है। पहले देख सकते हैं हेड इधर था, अब मैंने उधर कर दिया। तो ये है हमारा फाइनल लुक बेडरूम का। और यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ, ये आर ओ के अल्फ़ाबेट चार्ट्स वगैरह है, और मैं ज़्यादा कुछ करूँगी नहीं क्योंकि यहाँ पे ये चार्ट ही इनफ है। आर्या सबसे ज़्यादा टाइम बिताती है यहाँ पे, तो वो काफ़ी कुछ सीख भी गई है। कर्टेन बहुत प्यारे लग रहे हैं ना, आप लोगों मुझे कमेंट करके बताना कैसे लगे आपको।
इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। और ये हमारा ड्रेसिंग टेबल, यहाँ पे मैं अपना ड्रेसिंग में कुछ भी नहीं रखती क्योंकि मेरी आर्या मेकअप करने का उसको बहुत शौक है, तो चीज़ों पे छेड़ती रहती है। तो ये है कुछ लुक, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे मिरर देखो, आज मैं अपने फ़ोन से बना रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि ये फ़ोन लेके गए अपना। और वैसे यहाँ पे ये स्विच बोर्ड दिया गया है, तो यहाँ पे मोस्टली मेरा कूलर ही रहता है, लेकिन आज मैंने कूलर बाहर लगा रखा क्योंकि मुझे यहाँ पे काम करना था। यहाँ पे मुझे ये वॉल पे लगाना था, आर्या आ रही थी, इस वजह से मैंने कहा फिर फाइनली अब जाके रिलैक्स मिल रहा है। बहुत टाइम लगा लेकिन मेहनत रंग लाई, बहुत प्यारा लग रहा है रूम। उस टाइम मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि कैसे कर्टेन का कलर कैसा मंगा रखा है, बहुत लाइट मंगा रखा है, वाइट है, उसमें बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वे फाइनल लुक देखा उन्होंने, तो सच में उनको भी बहुत अच्छा लगा, कह रहे कि अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा ऐसे ही होता है भैया, जेंट्स लोग जल्दी से इसको समझते नहीं है ना, लेकिन लेडीजों को सब पता रहता है, वैसे भी आदत हो गई अब कलर कॉम्बिनेशन करना, क्योंकि बेडरूम मेकओवर, लिविंग रूम मेकओवर ये सब होता रहता है, रूम मेकओवर होता रहता है, घर मेकओवर होता रहता है, किचन मेकओवर होता रहता है, सारी चीज़ों का मैंने कहा मेकओवर होता रहता है, कॉम्बिनेशन करने का आदत हो गया है। मैंने कहा बहुत अच्छे से अब कर भी लेते हैं और पता भी चल गया कि कौन कैसा लगता है। तो गाइस फाइनली ये है मेरा बेडरूम, देख सकते आप, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये हमारे सरकारी क्वार्टर का रूम होगा, है ना। ये खुद पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपने घर को सजा के रखते हैं, कैसे रखते हैं। जैसे मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि बस अपना सोच के सब कुछ करना होता है, बहुत इजी हो जाता है फिर सब कुछ। लिविंग रूम मेकओवर तो आपने देख लिया और आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि बेडरूम मेकओवर बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। मतलब ऐसा भी नहीं है कुछ मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर किया होगा, सिर्फ कर्टेन से ही, और कर्टेन और अलमारी का ही लुक चेंज किया, उसी से कमरे का जो लुक है वो बहुत प्यारा आ गया है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। फाइनली मेहनत रंग लाई, हेडेक भी हो गया मेरा भाई इतनी देर तक यहाँ पे बैठे बैठे। वॉलपेपर आज मैंने खुद से लगाया, हमेशा से ये लगाते हैं लेकिन मैंने कहा नहीं मैं आज खुद ट्राई करूँगी, होना चाहिए ना, फ्रेंड्स भी आता है, वरना मैं सोचती कि मैं लगा नहीं पाती, ऐसा नहीं हो पाता, फिनिशिंग नहीं आता, लेकिन आज बहुत अच्छा भी लग रहा है और लगा के भी मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं लगा सकती हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपको कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा और मेरा बेडरूम मेकओवर कैसा लगा। तो चलिए यही था आज का ब्लॉग, इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।